हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत की खबर है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दोस्तों को कुचल दिया। एक ही बाइक पर सवार थे 3 युवक। हाल ही में दिल्ली से अपने गांव जजवासी आए थे ये युवक। सांडी थाना क्षेत्र के जजबाती गांव के पास यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने सड़क हादसे में मौत पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अज्ञात वाहन ने 3 दोस्तों को, जो एक ही बाइक पर सवार थे, रौंदते हुए ये वाहन आगे बढ़ गया। दिल्ली से ये 3 दोस्त अपने गांव आए थे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हरदोई से 3 युवक को, 3 लाशें एक साथ पहुंची गांव में। थाना सांडी लगता है जहां से ये मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी रंजीत का, फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, जरा बताएं कब, कैसे हुआ ये हादसा और किस तरीके की प्रशासन से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं परिजन? जी, ये सांडी थाना क्षेत्र है हरदोई जिले का। वहाँ ये शाम देर रात की घटना है। लोग वापस आ रहे थे, अपने घर के लिए जा रहे थे लोग, और वहीं पर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी जो है शोक व्यक्त किया है, और प्रशासन भी जो संभव मदद हो पा रही है वो करने की बात कर रहा है। हादसा कैसे हुआ और जिस वाहन ने टक्कर मारी उसके बारे में कुछ पता चला? जी, अभी तक जो सोर्सेस से पता चल रहा है, पुलिस से जो बात हुई है, उनके अनुसार अभी अज्ञात वाहन की बात कही जा रही है, और ये लोग मोटरसाइकिल से वापस जा रहे थे घर के लिए, और वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और जिससे इनकी डेथ हो गई है। अच्छा रंजीत, बहुत भीड़ भाड़ वाली वो सड़क थी, बहुत चलती सड़क थी। आखिरकार ट्रिपलिंग कर रहे थे ये 3 दोस्त, बाइक पर थे, गाड़ी की टक्कर की वजह, आसपास में कोई सीसीटीवी हो कुछ तो बताया होगा? जी, अभी तो पुलिस छानबीन कर रही है, सोर्सेस इकट्ठा कर रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, गाड़ी के की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक अज्ञात वाहन से ही जो है एक्सीडेंट की बात पुलिस बोल रही है। बिल्कुल रंजीत, क्योंकि ये भी तो सवाल उठता है ना कि अगर बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी तो क्या जानबूझ करके टक्कर मारी गई या अनजाने में टक्कर लगी? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल परिजनों के जहन में आ रहे होंगे। उन्होंने अपने अपनों को खोया है, तो जाहिर तौर पर यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि जानबूझकर टक्कर मारी गई या यह हादसा था। पुलिस अभी तक इस घटना को हादसे के रूप में ही देख रही है। अच्छा। परंतु अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है, और जैसे ही अज्ञात वाहन की शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और पुलिस क्यों मान रही है कि ये एक्सीडेंट ही है रंजीत? अभी तक जो सोर्सेस हैं उसके अनुसार तो पुलिस का यही कहना है, लेकिन कोई स्पष्ट बात अभी नहीं कही है पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि जैसे ही गाड़ी की शिनाख्त। बिल्कुल रंजीत, पुलिस का क्या कहना है, उनका बयान सामने आया है, वो भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। एक ग्राम आता है ज्ञानपुरवा, वहाँ पर टिंकू और अन्य दो व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। अवरोध पकड़ने में थाना सर्च में खुदा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।